निंदक ब्राह्मण ने की गलतन को तो भोगन हुई है, पर पहले अच्छो बने को का ताको दे, चतुराई की उसने। अच्छा जी बताओ प्रभु, अच्छे कर्मों का फल मिले हो कितनी देर? भगवान के धर्मराज ने कहा एक घड़ी 22 मिनट की होती है, 22 मिनट की, तो एक घड़ी के लिए जो तू मांगे सो। निंदक ने की बहुत बढ़िया, एक घड़ी को टाइम तो मिलो, तो सुनो महाराज मांग रहा हूं मैं। एक माला शिवजी के मंदिर में चढ़ गई थी और बेउ भूलते, तो वह एक घड़ी के लिए मिला क्या? क्या मांगा था निंदक ने? सुनो ऋषि धरे ध्यान, अरे जोर जाने डार लाओ मन पे, सुनो रामनिवास सिंह जी, जादन तुम्हारे संग जे अरुणुद्ध प्रधान जी गए हमारे यहाँ, सही बता रहे हैं पादना मोजी लगी में इनसे ज्यादा सूदो आदमी दुनिया में कोई ना, सही बता रहे हैं। पर जेऊ बता रहे हैं जितनो गुड़ मीठा हो तो है, अगर कोई तुम्हें तो पूछे कि जब गुड़ते मीठी चीज का है तो गुड़ते मीठे के अनुरुद्ध हो, पर जब काम में आके मालूम पड़ी कि जब जितने मीठे मात का जितने ना क्या, अरे जोर जनदार लो मन पे, सब सुनना ध्यान से, क्या मांगा था? और एक घड़ी पूना था चढ़ाई दो कोई इंद्रासन पे, धर्मराज ने की भैया क्या मांग रहे हो जी? चापे तो इंद्र बैठते ना महाराज, और कुछ नहीं चाहिए, अगर वचन को राखो तो एक घड़ी। तो धर्मराज ने की, ओ भैया इंद्र तू ऐसा कर नीचे उतर, नीचे उतर एक घड़ी। ए महाराज कैसी बात कर रहे हो, सौ सौ यज्ञ पूरे कर जाते हैं बिना तो इंद्रासन ना मिल तू, और जा नीच को भैया वचन दे दो, एक घड़ी की बात है 22 मिनट की होते, इंद्र नीचे उतरे और निंदक बैठ गया आसन, क्या आसन बैठ आए, अरे भयो ए मन लपके दाजी, और हुकम दो फरमाई तेरे ने सबरे बाबाजी, सबरे महात्मा कांप गए, धर्मराज तुमने बढ़िया नहीं करो, अरे जा दुष्ट को इंद्रासन दे दो, जाने पहली पे लट्ठ महात्मा नु पाई दे लो, महात्मा कांप रहे हैं। लेकिन निंदक क्या कर रहा है, माने कि ये कई हरी है, अरे समय नहीं निंदक ने की, और जितनी संपत्ति हती ताल में संतन कूदी, और जितनी संपत्ति हती दान में संतन को दीनी, अरे चलो जितनी अमरापुर में संपत्ति है, हीरा जवाहरात सोने चांदी सब बांध ले जाओ। भैया महात्मा हमारे हाथ में सिंह मारे तो लंबे लंबे पिछवाड़ा बिछाए, सब बांध लो, अब दान बांटता रहा वो निंदित, और तब तक एक घड़ी है की? जो एक घड़ी भाई, तो देवराज इंद्र आयो निंदक ने की भैया कोई मालूम है एक घड़ी कोई हो, सो जैसे निंदक उतरे और इंद्र देवता बैठे, अपन नजर करिए अपने अमरापुर में भारी भाव।
ने आवाज दिया पिछला। हाँ बोल, अब तो तू तड़ाक बोल लो चो बाई गद्दी का मालिक तू है बाई गाँव में। कह जी मेरे अमरापुर की सब संपत्ति कहाँ है? निंदक ने कही एक घड़ी को तो मालिको जो मन में आई है सो करो। बोल अच्छा तो आपने देखी हो एक बार नौजवान बच्चन ना पता हुई एक रात को एक मुख्यमंत्री बने थे जगदम्बिका पाल। रात में ही बने और रात में ही हट गए लेकिन उनके नाम के आगे भी लिख गया था पूर्व मुख्यमंत्री पद तो वही रहा। सो कही देख एक घड़ी को तो मालिक हो जो मेरे मन में आई सो करो है। लेकिन वे महात्मा कैसे थे सब संपत्ति ले गए और लौटा कि सब इंद्र को ही दे गए कि हमारे का काम थे। महात्माओं ने संपत्ति तो लौटा दी लेकिन निंदक ब्राह्मण से कहा कि तेने संतों का इतना बड़ा मान रखा है तो ध्यान दे करके सुन। संतन वचन कहो निंदकत मेरा वचन न झूठो जावे अब की बार जन्म तेरो होइबो लेख जन्म धरती पे जावे तिन संतन को मान करोए मेरा वचन नहीं झूठो जावे मानुष जाति की चलत कहाए भीख मांगी बे विष्णु आवे। अगली बार तेरा जब जन्म होगा तो तेरे सामने साक्षात विष्णु मैया लक्ष्मी भी भिखारी बन के आएंगे। तेरे संतों की इतनी बड़ी इज्जत की है एक कर्म को सुधरने से। आज राजा बलि के सामने मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु दोनों ही भीख मांगने आए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान से सुने कल भगवान की कथा में पूरे दिन भगवान श्री राम का वर्णन होगा। राम कथा होगी कल पूरे दिन। बहुत अच्छा वृत्तांत है। तो राम कथा में कल भगवान श्री राम और मैया सीता के लिए जो भी हमारी शादीशुदा बहने माताएं हैं सब वो कुछ न कुछ भेंट में अवश्य लाएं भगवान श्री राम के लिए। और देखो प्रसाद जरूर लाए करो सब खाली हाथ मत आए करो। अगर कछु मंगा न पाओ तो जैसी रोटी उतारो एक मुट्ठी आटो तवे पे भूंजो एक चम्मच बूरो मिला दो बने वो प्रसाद। खाली हाथ नहीं आते भगवान की कथा। चलो परीक्षा जी और एक पति जी खड़े हो जाएं आरती की थाली पकड़ें सभी भक्तन आरती और प्रसाद लेकर के जाएं।